प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन में एनडीए नेता भी मौजूद रहे, उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज झा ने। आपको सबसे पहले जयंत चौधरी की बातचीत सुनाते हैं। जयंत जी, पूरा मतलब बीजेपी के सारे सहयोगी दल मोदी जी के नामांकन के मौके पर क्या बात है, क्या मैसेज? बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए शुभ जो है सौभाग्य की बात है। एक तो बनारस की अपनी धरती है, इस मौके पे हम लोग देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नामांकन के समय हम सब लोग मौजूद हैं और उनका कॉन्फिडेंस, उनके चेहरे पे जो चमक है वो दर्शाती है कि कितना बड़ा विश्वास जनता ने उनको दिया है, आशीर्वाद दिया है और तीसरी बार उनको देगी। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 400 पार एनडीए के, चूंकि आप भी उसके घटक दल हैं, क्या आपको लगता है कि एक हवा हवाई है? नहीं, देखिए एक लक्ष्य होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य हम सब के लिए तय किया गया है और ख़ासतौर से देश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और दक्षिण भारत में जहाँ आपको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। एक तुलना हो रही है कि राहुल गांधी का जब नामांकन हुआ था तो उनके सहयोगी दल, आपके तो पुराने दोस्त अखिलेश, ये लोग भी नहीं दिखे थे और आज जब मोदी जी आए हैं तो प्रॉब्लम वही है, वो पूछते नहीं है लोगों से, तालमेल नहीं बना पाते हैं। ये एक बेहतर तालमेल का संकेत है और सम्मान जब आप देंगे तो उसका आपको एक नतीजा भी आपको दिखाई देगा।